नमस्कार दोस्तों, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूं उर्मी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हेल्दी और टेस्टी, बच्चे बड़े सबको बेहद पसंद आने वाला स्वीट कॉर्न का यम्मी नाश्ता। दोस्तों आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज की रेसिपी की फटाक से करेंगे शुरुआत। स्वीट कॉर्न नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले 300 ग्राम स्वीट कॉर्न लिया है, कच्चे वाले स्वीट कॉर्न लिया है, विनेगर लिया है, ग्रीन चिली सॉस लिया है, रेड चिली सॉस लिया है और तीन हमने ली है हरी मिर्च, अमूल का बटर लिया है और भी एक दो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। दोस्तों सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एक कुकर को गर्म कर लेंगे। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, एक चम्मच ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। दोस्तों ओनली बटर से ही बनाना है स्वीट कॉर्न को, पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कुकर के अंदर। डायरेक्ट बटर ऐड करने से बटर की स्मेल आ जाती है, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो दो चम्मच ऐड करेंगे बटर। बटर मेल्ट हो चुका है, तीन हरी मिर्च को कट करके ऐड कर लिया है। मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो हमें ऐड करने हैं स्वीट कॉर्न। आपको अगर इसी तरीके से स्वीट कॉर्न नहीं मिलते हैं तो भुट्टा ले लीजिए, भुट्टे के अंदर से स्वीट कॉर्न आप आसानी से निकाल के भी बना सकते हो। स्वीट कॉर्न को हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्लो गैस के ऊपर अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाना है। ऐसा करने से स्वीट कॉर्न का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। अब ऐड करेंगे एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी एक चम्मच ऐड कर लीजिए ग्रीन चिली सॉस। अब एक चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस की भी मात्रा आप ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कम तीखा पसंद है तो और भी कम कर सकते हो। एक चम्मच ऐड करेंगे विनेगर। दोस्तों आपको अगर विनेगर नहीं ऐड करना है तो लेमन जूस ऐड कर सकते हो, लेकिन लेमन जूस आपको स्वीट कॉर्न जब एकदम तैयार हो जाए बाद में ऊपर से ऐड करना है। अभी से ऐड कर दोगे ना लेमन जूस तो कड़वाहट हो जाएगी, इसीलिए लेमन जूस को बाद में ऐड करना है। अब हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर सादा वाला नमक लिया है, आप काला नमक भी ऐड कर सकते हो। काला नमक ऐड करने से टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। अब एक चम्मच मैंने ऐड किया है काला मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट पका लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी आने देंगे। दोस्तों 4 सीटी हो चुकी है, अब ओपन करेंगे कुकर के ढक्कन को और चेक करेंगे स्वीट कॉर्न तैयार हुआ है कि नहीं। वाओ दोस्तों, ढक्कन ओपन करते ही बहुत ही बढ़िया स्वीट कॉर्न की खुशबू आने लगी है। अभी से मुझे तो खाने का मन हो रहा है। तो एक चेक करते हैं अच्छे से पका है कि नहीं स्वीट कॉर्न। बहुत ही अच्छे से पक चुका है, देखिए। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। गार्निशिंग के लिए इसको निकालेंगे। दोस्तों ये स्वीट कॉर्न गर्मा गर्म खाने का ही मज़ा आता है, ठंडा खाने का मज़ा नहीं आता है। जब बारिश गिरती हो या बारिश ना भी गिरती हो तभी भी ये खा सकते हो आप, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय।